उस कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और आप लोग अच्छे से जानते भी हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, शैल या विल। अब जरा देखिए ना, अगर विल का भी यूज कर रहे हैं, शैल का भी यूज कर रहे हैं, और इसके साथ V1 का यूज कर रहे हैं, इसके बाद अदर वर्ड का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अदर वर्ड का यूज कर रहे हैं। ये मेरे बच्चों जरा देखो, शैल विल जो है ये प्राइमरी वर्ब नहीं है, और टेंस बताने के लिए सिर्फ प्राइमरी वर्ब का यूज किया जाता है। टेंस बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्राइमरी वर्ब का यूज किया जाता है। ये तो मॉडल्स में है जी, अब मॉडल्स क्या करते हैं, टेंस को बताते हैं क्या, नहीं ना, ये आपके मूड को बताते हैं, परसेप्शंस को बताते हैं, आपके इमोशंस को बताते हैं। ये बाबू, ये फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता है, फ्यूचर जब टाइम नहीं है तो टेंस भी नहीं है, टाइम वही है जिसे आप देख चुके हैं या देख रहे हैं, ठीक है, देखने वाला, और जो आने वाला समय है उसके बारे में सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं, और जिसका अनुमान लगाया जा सके उसमें कोई काम ये नहीं होगा, काम होगा क्या, नहीं ना होगा, तो इसलिए उसको अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, इसके इमोशंस को, उसके टाइम कंडीशंस को बताया जाता है, और उस कंडीशन को बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब उसी में कार्य आपका फिक्स हो गया, इसेंशियल हो गया, जरूरी हो गया कि नहीं उसको करना ही करना है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स लिखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया goes UAE, और अगर इसी को लिख दो मैं USA, जैसे को पता होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो बाबू UAE हमें ये बोला है नेक्स्ट मंथ, तो बाबू ये बताओ अभी नेक्स्ट मंथ आया है क्या, नहीं ना, आने वाला है, और उस वाले वर्ग को मैं बता रहा हूँ कि अगले महीने क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, इन कहने का मतलब ये काम तो होगा फ्यूचर में, लेकिन बताया जा रहा है बताया जा रहा है, क्योंकि ये फिक्स काम है, ठीक है। आई आई सेड